हेलो दोस्तों, आज देखिए कुमड़ा का पत्ता लाए हैं मेरा हस्बैंड बाज़ार से। दो ठो है तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमको बहुत पसंद है। और ये फूल भी है इसमें, बीच में कुमड़ा का पत्ता बहुत मेरा फेवरेट चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम आज भिंडी के साथ बनाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मकई को हम छील लिए हैं तो उसको साफ कर दे रहे हैं। अभी हम भिंडी काट के हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे, फिर इसके बाद पत्ता को भी थोड़ा हम ये कर दे रहे हैं। ऊपर का जो सिरा है उसको हम हटा दे रहे हैं, उसको रहने से अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको हटा के उसका सिरा हट कर दे रहे हैं। बीच बीच से हम पत्ता को तोड़ते हैं, फिर इसको फेंक देते हैं। और इसको इसमें फूल भी मिला देंगे। ऐसे तो फूल को अलग से फ्राई करने से बहुत अच्छा लगता है, पर अभी इसका पकौड़ा भी बनता है, पर हम इसी सब साग में ही मिला दूँगी, क्योंकि मेरा इतना तबीयत उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी लेट जाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, इसी तरह खाना बना रही हूँ। तबीयत उतना अच्छा नहीं है और सब कोई ड्यूटी भी चल गए हैं, घर में हम अकेले हैं। मेरी बेटी है, वो पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे चावल तो बन चुका है, दाल भी बन चुका है, चना दाल बना हुआ है, उसको हम अभी छौंका लगाएंगे। पहले इसको साग को हम काट के धो लेते हैं, फिर अभी चढ़ा दिए हैं ऐसे। उसमें हम पहले से भिंडी भून दिए थे, फिर साग को दे दिए, उसमें टमाटर दिए हैं, अभी प्याज और मिर्चा हम दे रहे हैं, और थोड़ा सा बंधा गोभी बनाएंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड को कुमड़ा का पत्ता उनको मना है खाने के लिए, तो उनके लिए हम बंधा गोभी बनाएंगे। और साग तो ऐसे कुमड़ा का पत्ता मेरे को खाली कुमड़ा का पत्ता के साथ भी हो जाता है, पर ये लोग को लिए तो और भी आइटम बनाना पड़ता है। करीब करीब हो चुकी है और इसमें हम लास्ट में लहसुन भी डाल देंगे, दो चार कलियां, तो और भी अच्छा लगेगा। इसमें हम सादा ही बनाएंगे, थोड़ा सा हल्दी दे देंगे और प्याज व्याज तो डाल दिए हैं, और अभी इसको मसाला भून दिए हैं। इसमें हम दाल को छौंका लगा दे रहे हैं, अभी खाना बन के रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी बना लिए हैं क्योंकि आएंगे, और अभी हम खाना निकाल दे रहे हैं मेरे बेटी के लिए, आएंगे मेरा हस्बैंड तो उनके लिए बनाए निकालेंगे और हम